कौन कौन सी ऐसी जांचें हैं कि जिससे ये पता चल सकता है कि हाँ ये सच में ही बगंदर है? किसी ने देखने से बता दिया आपको, डॉक्टर ने देखने से बता दिया कि हाँ ये बगंदर है, या आपने अपने इसके बगंदर के बारे में पढ़ के अपना सेल्फ डायग्नोसिस बना लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम से मैच कर रही है, तो मुझे बगंदर ही है, मुझे ये प्रॉब्लम है। पर कोई तो तरीका होगा जिससे इसको पता चल सकता है साइंस के अंदर कि ये एक तरह का टेस्ट कौन सा है जिससे ये पता चल सके कि ये बगंदर ही है। तो सबसे पहले जो टेस्ट आता है इसके अंदर, जिसका कॉमनेस्ट फिस्टुलोग्राम बोला जाता है, जिसका काफ़ी प्रचलन था पहले, कुछ टाइम पहले, आज से 10 12 15 साल पहले, जब कोई और टेस्ट अवेलेबल नहीं था, जिससे ये समझने के लिए कि ये फिस्टुला हाई है या लो, इसके लिए लोग करवाते थे, ना कि कंफर्म करने के लिए ये फिस्टुला है कि नहीं है, या कई बार फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता था। पर इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है, काफ़ी बार बाहर के छेद से दवाई अंदर जाती ही नहीं है, तो उससे एग्जैक्ट पता नहीं चलता। दूसरा बात थी कि यह टेस्ट से जब आप टेस्ट करने के लिए कोई भी मेडिसिन अंदर इंजेक्ट करते हो, तो दवाई वगैरह इंजेक्ट करते हो, तो रेट्रोग्रेड कई बार इन्फेक्शन होने का डर बना रहता था, तो जिसलिए फिस्टुलोग्राम का टेस्ट कम इन्फॉर्मेशन देने के कारण प्लस इन्वेजिव टेस्ट होने के कारण इतना पॉपुलर नहीं हुआ। हालांकि आज भी कुछ लोग इसको करते हैं, बट इतना रिकमेंडेड नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है जिससे एक प्योर इन्फॉर्मेशन या जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो फिस्टुला के बारे में नहीं मिलती। दूसरा टेस्ट होता है ट्रांसएनल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अंदर से एनस से किया जाता है और बाहर की साइड से उसके ट्रैक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। इंटरनल फिस्टुलाज में इस ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है, बट इस सबसे भी ज़्यादा बेटर टेस्ट आज की डेट में अवेलेबल है, जिसको एमआरआई बोलते हैं, एमआरआई प्रीमियम। हालांकि एमआरआई फिस्टुलोग्राम भी इसका नाम है, एमआरआई फिस्टुलोग्राम के अंदर इसको डाई दे के किया जाता है, इंजेक्शन दे के किया जाता है, बट मेरी राय में इवन जो फिस्टुलोग्राम है उसके अंदर अगर बिना डाई के भी अगर एमआरआई प्रीमियम करी जाती है, तो वो बहुत अच्छे से फिस्टुला के सारे ट्रैक्स उसके अंदर दिख जाते हैं। बहुत रेयर टू रेयर केसेस के अंदर जहाँ पे कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो एमआरआई फिस्टुलोग्राम भी एडवाइजेबल है। थोड़ा सा नॉर्मल एमआरआई से भी कॉस्टली रहता है ये। और सीटी स्कैन एक और टेस्ट है। तो एमआरआई होती है नॉर्मली फ्लूड सिग्नल्स को पिक करती है कि जहाँ पे कहीं पानी की जो भरा हुआ है, जो फिस्टुला का ट्रैक कहीं पे भी जो उसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेती है और उसको आइडेंटिफाई करके आपको ये बता देती है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिस्टुला हाई है, लो है, ट्रांसफेंट्रिक है, अलग अलग तरह के ग्रेड्स, लोकेशन, सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट जितनी की इन्फॉर्मेशन किसी फिस्टुला के बारे में चाहिए होती है वो एमआरआई से सर्च मिल जाती है। एमआरआई की एक और बहुत अच्छी एडवांटेज है कि इसका प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट से पहले भी एमआरआई कर लेनी चाहिए और जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तब एक एमआरआई करके ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ से फिस्टुला था, अब मैंने ये दवाई खाई, ये मैंने ये ट्रीटमेंट किया और ये सब करने के बाद, या मैंने सर्जरी करी, जो भी ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जब एंड ऑफ द ट्रीटमेंट पे वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ पहले ये फ्लूड सिग्नल्स आ रहे थे, अब ये फ्लूड सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सीटी स्कैन की एडवांटेज बहुत रेयर टू रेयर केसेस के अंदर है, जहाँ के अंदर एमआरआई फिस्टुला नहीं ढूंढ पाती। वो किस केसेस में एमआरआई फिस्टुला नहीं ढूंढ पाती? जहाँ सिग्नल उसका फ्लूड नहीं है, कई बार गैस भर रही होती है। मेरे पास इस तरह के भी पेशेंट आए हैं कि वो फील करते हैं कि मुझे टेस्टिस की जगह पे गुदा के द्वार के साइड में कहीं पे गैस सी फील होती है, भारीपन होता है, थोड़ी कब्ज गैस पास हो जाती है, बेड उठ जाता हूँ या स्टूल पास हो जाता है तो वो कंफर्टेबल हो जाती है, वो खट चले जाता है जो स्वेलिंग सी होती है। तो इस तरह के फिस्टुलास को एमआरआई में भी ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि जो एयर का सिग्नल है, जो माइक्रो लीकेज एनल कैनाल के अंदर हो रही है, इसके कारण वहाँ से सिर्फ ना कोई फ्लूड अंदर जा रहा है, ना कोई पॉटी उसके अंदर जा रही है, सिर्फ हल्की कुछ गैस जो एनस की है वो उस तरफ, उस रास्ते में से, उस छिद्र में से उस तरफ पास हो रही है और वो फुलावट, भारीपन की इन्फॉर्मेशन देती है और कुछ टाइम पे बाद अपने आप से वो चली जाती है। तो ऐसे केसेस में एमआरआई भी हेल्प नहीं कर पाती उसको आइडेंटिफाई करने में। इन डैट केस सम पेशेंट्स में फिस्टुलो सीटी स्कैन, सीटी फिस्टुलोग्राम बोला जा सकता है उसको, वो हेल्प करता है, हालांकि उसकी रीडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन डैट केस पेशेंट क्लिनिकल सस्पिशन में काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं और जब तक वो एक्चुअल प्रॉपर फिस्टुला में पस बनने वाले, गांठ बनने वाली स्टेज में नहीं पहुँचते, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते।
ज़्यादातर अगर 100 में से 99.5% तक पेशेंट्स एमआरआई फिस्टुलोग्राम या एमआरआई प्लेन एमआरआई विदाउट कंट्रास्ट पेरिनियम एमआरआई, जिसको पेल्विस एमआरआई भी बोल सकते हैं, उसके अंदर फिस्टुला डिटेक्ट हो जाते हैं। जिसके दो फायदे हैं, एक तो प्री ट्रीटमेंट हमें पता चल जाता है कि ये स्टेज है, और दूसरा एडवांटेज क्या है कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना है, एक्स वाई जेड जिसने जो ट्रीटमेंट बोला आप कर लो, पर आपने एक बार उसकी एमआरआई कराई हुई है, आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी ट्रीटमेंट उनका ख़त्म होता है तो आप एमआरआई कराओगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। और एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट एमआरआई कराने का फ़ायदा है कि उस टाइम पे प्री एंड पोस्ट स्टेज क्लियर हो जाती है। कई बार रेयर टू रेयर केसेस में हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के बीच में भी एमआरआई कराते हैं, पर वो सिर्फ सेकेंडरी ट्रैक्स या कोई ट्रैक जो अनअटेंडेड रह गया है, उन्होंने मेन ट्रैक सारे कर दिए हैं, तो उसके अंदर भी एमआरआई का इन बिटवीन ट्रीटमेंट रोल रहता है। बट नॉर्मली एमआरआई प्री एंड पोस्ट ही होती है ट्रीटमेंट के, जब हम ट्रीटमेंट शुरू किया उससे पहले, ताकि एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ से कहाँ तक है, एक डॉक्यूमेंटेशन हो गई, फिर एक बार जब हमने ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिया तब एमआरआई करा ली, पता चल गया कि हाँ जी ये फिस्टुला क्योर हो गया। क्योंकि फिस्टुला के अंदर बाहर की स्किन का होल ख़त्म होना फिस्टुला का इलाज नहीं है। जिस दिन बाहर का मुंह फिस्टुला का, जहाँ से पस बाहर से आ रही है, अगर आपने प्रॉपर उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट या जो भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं किया हुआ, तो बाहर का मुंह अगर बंद हो जाता है, अंदर का मुंह खुला रहता है, तो वो बार बार आएगा। जितनी बार बाहर का मुंह बंद होगा उसकी उतनी बार ही एक पॉसिबिलिटी है कि एक से दूसरी जगह फिस्टुला फैलेगा, दूसरी से तीसरी जगह फैलेगा। इसलिए प्रॉपर इलाज के लिए हमें एमआरआई करा के उसको एक डिलिनेशन कर लेनी चाहिए कि यहाँ यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, इतना गया, और अब हमने इसकी ट्रीटमेंट करी है, उसके बाद यहाँ के क्या स्टेज पे आया। ठीक है, एमआरआई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छे अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के लिए एमआरआई को पढ़ना इजी नहीं होता, तो देयर कैन बी वेरिएशन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिपोर्ट्स। तो क्लिनिकल सिम्टम्स से जो अच्छा रेडियोलॉजिस्ट है उसको मैच करके अपनी, और जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है इसके अंदर कि पहले पुरानी एमआरआई फिल्म्स, नई एमआरआई फिल्म्स, और उन सब से कंपेयर करके अगर वो देख के अच्छे से देख सकता है, तो वो आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एमआरआई से आपको दे पाएगा। अदरवाइज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो भी इसको मिस कर जाए। कई बार हमारे पास रिपोर्ट आती है, फिस्टुला होता है 12 o'clock पे, एमआरआई की रिपोर्ट में लिखा होता है 6 o'clock है। कई बार पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, अंदर प्रॉब्लम भी होती है, एमआरआई शो कर देती है कि नहीं है, बट उसके अंदर एमआरआई फिल्म की गलती नहीं है, उसमें इंटरप्रिटेशन का वेरिएशन हो सकती है। और कई बार ये भी होता है कि फ्लूइड जो ट्रैक्स होते हैं एंटीबायोटिक खाने से या दवाइयां खाने से इतने ज़्यादा सप्रेस हो जाते हैं अलग अलग दवाइयों से कि वो एमआरआई में सप्रेस्ड दिखते हैं। तो एमआरआई कराने का बेस्ट टाइम है जिस टाइम पे गांठ बनी हुई है, जिस टाइम पे पस बनी हुई है, दर्द हो रहा है, उस टाइम पे एमआरआई किया जाए ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, और फिर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद एमआरआई किया जाए। बट नॉट जस्ट अगर आपने कोई मेडिसिन लिया है, एंटीबायोटिक लिया है, तो उसके इमीडिएटली बाद एमआरआई कराने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो एमआरआई में सप्रेस्ड हुआ होगा दवाइयों के कारण। 2-3 महीना बिना दवाई के रहने के बाद जब वो एमआरआई टेस्ट किया जाता है, तब वो एग्जैक्ट गाइड करता है कि हाँ ये यहाँ था, अब इसके अंदर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या इतना रेमानेंट रह गया, क्या हमारी दवाई हमारा ट्रीटमेंट इस पर अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से इन टेस्ट से पता चल जाती है। इसमें आज की डेट में जो बेस्ट अवेलेबल है वो मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे पेरिनियम या पेल्विस जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल।